हेलो एवरीवन, आज मैं अपने चैनल पे एक आई लुक पोस्ट कर रही हूँ जो बहुत ही इजी सा है। मैं बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप इसको अपनी लोकल पैलेट से, कोई सी भी पैलेट आपके पास अवेलेबल हो उससे आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने पैलेट से एक ट्रांजिशन शेड, जो सबसे लाइट शेड हो आपकी पैलेट में, वो ले लिया है और अब मैं इसको अपनी आउटर क्रीज पर बिल्ड कर रही हूँ। अभी मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने स्पीड 2x पे कर दी थी ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहे और आप बोर ना हो। अब इसके बाद मैंने इस फाउंडेशन लिया है, आप कोई सा भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं और आप मेन अपनी लिड पे उसको अप्लाई कर लें, सेंटर ऑफ द लिड पे। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है, मैं उसको थोड़ा सा उस ट्रांजिशन शेड के साथ ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी क्रीजेज ना रहें और एक स्मूथ टेक्स्चर आए। अब मैंने एक डार्क पर्पल शेड ले लिया है। आपको क्या करना है गर्ल्स, इसको अपने आउटर वी पे प्लेस करके अच्छे से धीरे धीरे ब्लेंड करना स्टार्ट करना है। अब मैं इसको यहाँ पे धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए अंदर की तरफ ले जा रही हूँ, पहले कॉर्नर से अंदर की तरफ। यही सबसे ईजिएस्ट मेथड होता है और आप इससे एकदम ईजिली एक आई लुक कम्प्लीट कर सकते हैं। गाइज, मैं भी आपकी तरह कोई ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने धीरे धीरे ट्राई किया एंड नाउ आई एम लर्निंग। अभी भी मैं लर्न कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने क्या किया है, एक गोल्डन शेड पिक किया पैलेट में, आपने देखा, और उसको बस सेंटर पे अपनी फिंगर्स के हेल्प से लगा लिया। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आईलाइनर एंड अब मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी, एक विंग लाइनर। बहुत मोटा आईलाइनर आपको अप्लाई नहीं करना, नहीं तो वो आर्टिफिशियल लगेगा। आप जैसा पसंद करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। आप कोई से भी ब्रांड का आईलाइनर ले सकते हो, ये वाटरप्रूफ था तो इसलिए मैंने दिखा दिया। ये मेरा फेसिस कैंडिडा का आईलाइनर है और यहाँ पे आपको प्रॉपरली ध्यान से आईलाइनर ड्रॉ करना है। ये बिल्कुल ही बिगनर फ्रेंडली लुक है गाइस, कोई भी इसे क्रिएट कर सकता है। अब मैंने काजल लिया है और मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से अप्लाई करें, कहीं पे भी कोई भी गैप ना रहे, अच्छे से इंटेंसिटी थोड़ा सा बिल्ड करें। अगर आपका काजल थोड़ा लो क्वालिटी का है तब भी आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक आईब्रो जेल लिया है और मैं इससे अपनी आईब्रोज बना रही हूँ। ये देखिए, आप अपनी आईब्रो, इस गाइस ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि आप जो है बाद में आईब्रो फिल करें या पहले करें, आप कभी भी कर सकते हो। तो मैंने पहले लुक कंप्लीट किया, उसके बाद मैं लास्ट में अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ। और ये मैंने अपनी आईब्रोज फिल कर ली। आपको अच्छे से फिल करना है और आपको एकदम शुरू से, स्टार्ट से नहीं स्टार्ट करना, जैसे मैंने थोड़ा सा मिड से स्टार्ट किया है वैसे आपको थोड़ा सा मिडल से स्टार्ट करना है और फिर अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ करनी है, फिर अंदर फिल करना है। अब ये मैंने एक नॉर्मल ब्रश ले लिया है, इससे मैं थोड़ी सी अपनी आईब्रोज को ब्रश करूँगी ताकि कहीं पर अगर थोड़ा सा भी आईब्रो जेल जमा हो तो वो सही से लग जाए। अब मैंने एक आईलैश कर्लर ले लिया, आप कोई सा भी आईलैश कर्लर ले सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वैसे तो आप एक अच्छे आईलैश कर्लर में इन्वेस्ट करिए क्योंकि वो बहुत ही ट्रांसफॉर्म करता है आपकी लैशेस को। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, आपको अच्छे से मस्कारा की कोटिंग देनी है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बिना मतलब आर्टिफिशियल लैशेस लगाए हुए भी मेरी आईलैशेस कितनी प्यारी लग रही हैं। अब मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अपने इनर कॉर्नर पर लगाया और आउटर कॉर्नर पर ऊपर की तरफ। इसके बाद आप देख सकते हो ये मेरा कंप्लीट आई लुक। उधर मेरी थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं पिक कर रही थी, ये रियल पिक्चर है, ऐसा बिल्कुल आपका आई लुक टर्न आउट होगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये आई लुक। और हाँ, आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास कोई बात नहीं, अगर आप महंगी ब्रांडेड आई शेडो पैलेट नहीं ले सकते, इट्स ओके, आप अपनी कोई भी नॉर्मल आई शेडो पैलेट से भी इस लुक को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये ईजी लगा होगा और आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ देखनी है, डू कमेंट एंड लेट मी नो।